में BW कैंपस में आप सभी को CHS के रिजल्ट का वेट था। यहाँ पर ई लॉटरी का रिजल्ट आ गया है। गूगल पे सर्च करें bhuonline.in, सीधे आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं कुछ इसी प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET लिखा मिल जाएगा आपको। रिजल्ट ऑफ ई लॉटरी पे तुरंत क्लिक करिए। 6th और 9th का ई लॉटरी आया है, 11th का मेरिट बेसिस पे नहीं आया अभी लिस्ट, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पर देखें स्कूल एंट्रेंस टेस्ट आपका आ गया ई लॉटरी का। यहाँ पर देखें CHS 9th फीमेल लिखा है, मतलब CHGS सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की लिस्ट है। एंड यहाँ पर 9th मेल लिखा है, तो इसके नीचे जितनी है ये सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की लिस्ट। इसी प्रकार से CHGS 6th की लिस्ट और CHGS 6th बॉयज़ की लिस्ट दोनों रखी हैं। अब इसमें देखिए लिस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से BHU ने यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट करके रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं BHU एम्प्लॉय कोटा से OBC की, उनका भी लिस्ट है, SC से ST से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप BHU के फिर अनरिजर्व कोटा से कितने लोग सेलेक्ट हुए, ये भी लिस्ट है। OBC से कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ST, एंड साथ ही साथ फीमेल अनरिजर्व सीट यहाँ पर कितनी सीट यहाँ पर लोगों को मिली हुई है। इसी प्रकार से CHS बॉयज़ के लिए भी वही सेम कैटेगरी रखी गई है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे अपने रिजल्ट को देखना, जैसे मगर CHS 9th बॉयज़ की बात करूँ, OBC लिस्ट मुझे देखनी है OBC कैंडिडेट्स की, तो मैंने उस पर जस्ट क्लिक ही किया है और अभी ये डाउनलोड होकर इंटरफेस पे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी कैटेगरी पता है, अपनी कैटेगरी वाली लिस्ट पर क्लिक करिए एंड जस्ट आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, आपकी लिस्ट आपके सामने होगी, ठीक है। जैसे देखिए लिस्ट आ गई सामने, मगर ये लिस्ट में क्या है ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड कलर से बच्चों की लिस्ट है यही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बाकी जो ब्लैक कलर आप नीचे देख रहे हैं ढेर सारे, ये मतलब नहीं सिलेक्ट हुए हैं ये लॉटरी में। देखिए ये लॉटरी किस्मत का खेल है, यहाँ पर अपनी प्रतिभा को लेकर आप लोग ना शर्मिंदा हो, क्योंकि कोई प्रतिभा का आपके टेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखें बच्चों का नाम है, जैसे अभय प्रताप यादव, अजीत यादव, यहाँ पर देख रहे हैं सभी मतलब जो लोग सेलेक्ट हुए हैं ये ई लॉटरी से सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। फादर के नेम उनके और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ, और रैंडम तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली, तो इन बच्चों को बहुत बहुत कॉन्डिडेट कांग्रेचुलेशंस BW कैंपस की तरफ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बट हाँ, मैं कहीं ना कहीं मेरा भी मानना यही था कि CHS को एग्ज़ाम लेना चाहिए था, मैं आज भी उसी के साथ स्टैंड करता हूँ। बट जो बच्चे यहाँ पर ई लॉटरी से सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको कोई भी समस्या होती है, आप नहीं चेक कर पाते हैं रिजल्ट, 7080052012 पर कॉल करके आप सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ और भी चीज़ों के लिए क्लासेस ओपन हो गई हैं स्कूल एंट्रेंस की, जिसमें सैनिक स्कूल से लेकर बहुत सारे कोर्सेज की हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन करके अपनी बैचेस में 2022 की इनरोल हो सकते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।